ഇനി മലയാളക്കാരൻ കയറിയത് സഖാവ് കലയുടെ ശാരീരിക അവസ്ഥ വളരെ വളരെ മോശമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനം പ്രബുദ്ധരായ കാണികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാറുള്ളത്. सबसे क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं, उनको जय हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं दो चीजों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमारे बहुत सारे दोस्त मलयालम स्पीकिंग हैं, लेकिन यह मेरी गलती है कि मैं अभी तक मलयालम सीख नहीं पाया हूं, इसीलिए मैं हिंदी में बातचीत करूंगा, इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि 16 तारीख को आपके यहाँ पे वोट होना है, पोलिंग डे है आपका, और 16 तारीख को ही जेएनयू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है। हमने बहुत कोशिश की कि इस डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन इस काम को हम करा नहीं पाए। इसके लिए भी हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि केरल से बहुत सारे लोग जेएनयू पढ़ने के लिए आते हैं और पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बताते हैं कि केरला पढ़ाई के लिए जाना जाता है, लिटरेसी के लिए जाना जाता है। हालांकि दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मैंने कुछ शब्द सीखा है, जैसे अभिवादिंगल, अभिवादिंगल नूर चौपिन अभिवादिंगल। ये तो बात हो गई पॉलिटिकल स्लोगन की। डिस्पाइट दिस आई हैव लर्न अदर सो मेनी मलयालम वर्ड्स लाइक वेल्लम, क्योंकि केरला में गर्मी पड़ रही है, अगर प्यास लगेगी तो कम से कम पानी मांगने के लिए आना चाहिए, मिलना चाहिए। और ये समर्थन मैं आपसे मांग रहा हूँ कि अगर ये समर्थन पटाम्बी की धरती से मिलता है, अगर ये समर्थन केरला की धरती से मिलता है, तो इस समर्थन को लेकर के जो हमारा आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है कि सबको रोजगार होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट शुड बी फॉर द ऑल, एजुकेशन फॉर बी ऑल, फीस मस्ट बी फॉल, एजुकेशन फॉर द ऑल, ये जो हमारा स्लोगन है इसको हम जरूर जीतेंगे। और इस लड़ाई में जो हम नारा लगा रहे हैं आजादी का, वो आजादी का नारा भी हम जरूर शामिल कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों, हम आपके साथ नारा लगाना चाहते हैं इस अपील के साथ कि अपना वोट कीजिए, समाज को बदलने के लिए, युवा उम्मीदवार को जिताने के लिए, समाज के अंदर एक नई परिभाषा गढ़ने के लिए, एक नया एग्जाम्पल सेट करने के लिए। तो जोर से बोलिए, सुन ले, आजादी भी सुन ले।